हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूं जिसमें शायद आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ने ये वाला टॉपिक किसी एक पॉइंट पे उठाया और ये वाला टॉपिक किसी और पॉइंट से रिलेट करता है और इन दोनों को इसने कंबाइन किया। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट किया कि सर आप हॉर्स कट प्रॉब्लम और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आपका छूट गया है। बेसिकली ये छूटा नहीं था, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है जो आपको खुद आनी चाहिए थी, ठीक है ना। और ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसको आप अगर बुक पे थोड़ा देख लेते तो आपको शायद वो समझ आया होता। तो अब मैंने मुनासिब समझा दैट मैं ही इसको क्लियर करूं, दैट कि हॉर्स कट प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, हार्स एंड कॉट प्रॉब्लम जो है, हार्स एंड कॉट प्रॉब्लम, ये बेसिकली हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो है, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, ठीक है ना। सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट होगा, थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा वो आप प्रॉपरली जानते होंगे। तो हम हार्स एंड कॉट प्रॉब्लम में देखेंगे हमें क्या निकालना है। बेसिकली हार्स एंड कॉट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास एक हॉर्स होता है, मैं यहाँ पे हॉर्स अब ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि मैं उतना अच्छा ड्रॉइंग नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो मैं उस हॉर्स को एक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरे पास हॉर्स है, ठीक है ना। और इस हॉर्स के साथ एक थ्रेड बंधा होता है, ठीक है ना, और उसके साथ हम एक कार्ट को बांध लेते हैं। ये हमारे पास एक कार्ट है जिसको हमने इस हॉर्स के साथ बांध लिया है, ठीक है ना। ये रेड़ा है जो एक हॉर्स के साथ बंधा हुआ है, और इस रेड़े के पास हम जानते हैं कि इसके पास क्या होते हैं, इसके पास व्हील्स होते हैं। ये हमारे पास कार्ट है। अब देखो, अब जो डिफरेंट फोर्सेस इस हॉर्स एंड कार्ट पे लगने वाले हैं हम उनको पहले देखेंगे, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं कार्ट का और हम हॉर्स का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। अब अगर आपको याद होगा, अगर मैं इसका मास स्मॉल m कंसिडर करूं, किसका, कार्ट का मास में स्मॉल m कंसिडर करूं, तो इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी विथ एम जी, स्मॉल एम जी, कुछ ऐसे मास ऑफ द कार्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको और एक चीज याद होगा कि बिकॉज इस कार्ट के बीच में और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट बन रहा है, इसलिए ये ग्राउंड इस कार्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। हां, वो भी प्रोड्यूस करेगा, कौन, कार्ट भी ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन मुझे वो नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना चाहता हूं, तो उस पे सारे लगने वाले फोर्सेस मुझे चाहिए। ये कितने फोर्स दूसरे बॉडीज पे लगाता है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने हैं और कहां कहां से। तो पहला फोर्स मुझे पता चला कि mg इस पे फोर्स एग्जर्ट होगा, और ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n में रिप्रेजेंट करूंगा, ये नॉर्मल रिएक्शन n है। चलो n1 रिप्रेजेंट रखते हैं, n1 इसका नाम रखते हैं। तो n1 नॉर्मल रिएक्शन है ऑन द कार्ट, कार्ट पे नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड की वजह से, लेकिन चूंकि आप देख रहे हो दैट कार्ट में न मोशन ऊपर की तरफ है न मोशन नीचे की तरफ है, कार्ट ना तो नीचे आती है ना ऊपर जाती है, इसलिए ये वाला और ये वाला आपस में बैलेंस हो जाएगा, तो n1 जो है वो mg के बराबर हो जाएगा, ये हम जानते हैं, ये आप लोग भी जानते हो जिसने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। अब चलो इस पे जाएंगे, यहां हॉर्स है तो हॉर्स पे भी कुछ ऐसी स्टोरी होगी। हॉर्स पे जो है पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन मैं उसको डिनोट करूंगा कैपिटल एम जी से। अब सवाल है सर, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम हॉर्स का मास है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। हॉर्स ने ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है तो ग्राउंड इसको भी नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये भी ग्राउंड को नॉर्मल रिएक्शन देगा, लेकिन मैं वो कंसिडर करने वाला नहीं हूं। गुड, तो हम इस पे नॉर्मल रिएक्शन N2 मान के चलेंगे। तो N2 है क्या, जरा बेटा देखो, N2 जो है इट इज नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स।
हाँ, हॉर्स भी ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा इतना ही N2, लेकिन हम वो कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज हमें इन दोनों बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम्स चाहिए। और जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ वही फोर्सेस डिस्कस करते हैं जो इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस होते हैं या इस बॉडी पे जो लगते हैं फोर्सेस, वो फोर्सेस नहीं जो ये बॉडी बाकी बॉडीज पे लगाती है। चलो अब देखते हैं अब क्या होगा इसके बाद। तो इसका मतलब यहां पे mg और n2 भी बैलेंस होगा क्योंकि हॉर्स की मोशन ना ऊपर की तरफ है और ना नीचे की तरफ है, उसकी मोशन आगे की तरफ है, तो ये n2 भी mg के साथ बैलेंस हो जाएगा। ये हमें दूर से ही समझ आता है। अब देखो चलने का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम चलते हैं या जब हॉर्स चलता है, हमारे चलने का एक ही तरीका होता है। तरीका क्या है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। हम ग्राउंड को बेसिकली पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। ये मेरा फॉर एग्जांपल पैर है, तो जब मैं चलूंगा मैं ऐसे प्रेस करूंगा और आगे चलता जाऊंगा, ऐसे प्रेस करता हूं और आगे चलता जाऊंगा। आप ग्राउंड को पीछे की तरफ प्रेस करते हो मतलब आपने ग्राउंड पे एक एक्शन क्रिएट किया, ग्राउंड आप पे एक रिएक्शन क्रिएट करता है और उसी रिएक्शन की वजह से आप आगे बढ़ते हो। थोड़ा सा यहां पर देखना चाहेंगे, देखो हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, जब ये चलता है तो ये पीछे की तरफ धक्का मारता है। किसको? ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारता है। तो ग्राउंड को जब इस पर्सन ने पीछे की तरफ धक्का मारा तो इसको हमने नाम दिया कि आप बेटा एक्शन हो। इधर देखो ये एक्शन है और ग्राउंड भी इस पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है इस डायरेक्शन में। देखो ये रिएक्शन है क्योंकि आपको पता होगा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। अब समझो एक बात को, देखो अगर ये एक्शन है और ये रिएक्शन है तब आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे हम ग्राउंड पे नहीं चलेंगे। देखो हम ग्राउंड पे थोड़ी चलेंगे, हम इधर से चलेंगे, हम फिर उड़ने वाले हैं क्योंकि हमें इधर से फोर्स नहीं लग रहा। हम इधर से तब चलते जब रिएक्शन फोर्स हमें यहां से खींचता ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, तो हम भी ग्राउंड की सरफेस पे चलते, लेकिन रिएक्शन फोर्स हमें ऊपर लेके जाना चाहता है। देखो ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद हॉर्स पे जाएंगे। ये रिएक्शन फोर्स हमें ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है। अब सवाल है सर फिर हम कैसे नीचे जाते हैं, हम ग्राउंड पे कैसे चलते हैं अगर ये हमें ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। बेसिकली देखो हमारे पास ऑलरेडी हम पे भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता है, से mg हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड है और ऊपर की तरफ हमें नॉर्मल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अच्छा n होता है, n मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। ये n और mg आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जो ही हम पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, ठीक है ना, जो ही हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो हम एक्शन क्रिएट करते हैं, वहां से रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। देखो 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 थोड़ा सा मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं आपको। मैं एक पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा सो दैट आपको समझ आए कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन है, इसने क्या किया, ये ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पर्सन है। इस पर्सन ने क्या किया, इसने ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स एग्जर्ट किया, से किसी एंगल पे, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल पे फोर्स एग्जर्ट किया, ठीक है ना। ये पर्सन ने जमीन पे ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स एग्जर्ट किया और कौन से एंगल पे, हाँ हम थोड़ी नीचे की तरफ फोर्स, ये ग्राउंड है, देखो देखो आप समझो ये ग्राउंड है, हम थोड़ी ऐसे फोर्स एग्जर्ट करते नहीं, हम चलते कैसे, देखो हम चलते ऐसे, देखो ऐसे, ये हम पीछे की तरफ इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी एंगल पे इसको प्रेस करते हैं, तो हमने वही कहा कि इस आदमी ने एक्शन किया एट एंगल थीटा, इसको बिल्कुल ऐसे रिएक्शन मिलेगा उसी एंगल थीटा पे। ये हम जानते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होता है, इस आर के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं।
एक कंपोनेंट इधर से निकल जाता है, दूसरा कंपोनेंट इधर से निकल जाता है। अब आपको याद होगा कि अगर ये थीटा है तो यहां से जो कंपोनेंट होगा वो आर का कॉस ऑफ थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और यहां से जो आप कंपोनेंट आर का देख रहे हो बेटा ये आर साइन थीटा होगा, ये हम जानते हैं सर। अब क्या होगा, देखो ये आर का थीटा हम पे आगे की तरफ लगता है, मतलब ये आर का थीटा हमें आगे की तरफ चलाना चाहता है, कहां पे, ग्राउंड पे, और ये आर साइन थीटा जो है ये mg को बैलेंस कर लेता है, हमारे ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर लेता है, किसके साथ मिलके, नॉर्मल रिएक्शन के साथ मिलके। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा, देखो हम पे कौन कौन फोर्स पहले लग रहा था, सर mg आप पे लग रहा था और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, ठीक है ना, ये दोनों पहले बैलेंस थे, जब हम खड़े हैं तो ये दोनों बैलेंस है, लेकिन जो ही हम आगे जाना चाहते हैं तो ये इंबैलेंस हो जाते हैं, कौन कौन, नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस नहीं हो पाते, देखो क्योंकि हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, बैलेंस तब है जब हम स्ट्रेट वे खड़े हैं, जो ही हम झुक गए तो ये बेसिकली इंबैलेंस हो जाते हैं, चलते वक्त हम थोड़े से झुक जाते हैं, हमारा जो पोस्चर है वो ऐसे नहीं रहता, अगर हम ऐसे रहेंगे तब हमारा नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस्ड है, लेकिन जब हम झुकेंगे तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस नहीं है। अब क्या हुआ, तो mg और n पहले सर बैलेंस था, ठीक है ना, चलो फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, हमारे पास कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे थे, ये मैं हूं, ये मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एग्जर्ट हो रहा है जिसको मैं वेट भी बोलता हूं, अच्छा mg बोलेंगे, चलो mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर की तरफ ग्रेविटी ने मुझे नॉर्मल रिएक्शन दी, जब मैं खड़ा था तो n और mg आपस में क्या हुए, बैलेंस हुए और मैं रुका हुआ था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये ग्राउंड था, इस ग्राउंड पे जब मैं चला तो मैंने पीछे की तरफ एक एक्शन की, ये सर आपने पीछे की तरफ एक्शन की, इसको मैं ए नाम देता हूं, और किस एंगल पे, थीटा एंगल पे मैंने एक्शन की, ग्राउंड पे, ग्राउंड ने बिल्कुल वही रिएक्शन मुझे दी, सेम मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड लॉ, और ये एंगल थीटा होगा। अब देखो ये वाला तो बैलेंस हो गया इसके साथ, कौन, mg n के साथ तो बैलेंस हो गया, इनके साथ हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना। एक्शन के बदले कौन आया बेटा, रिएक्शन आ गई, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे पास जो इस टाइम का नेट फोर्स है वो r है, तो हम किधर जाने चाहिए थे, हमें बेसिकली यहां से उड़ना था, जो रिएक्शन हमें ग्राउंड ने दी वो रिएक्शन ऐसे हमें मिली दैट हम चलने के बजाय उड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो ही हम आगे चलते हैं हमारा पोस्चर चेंज होता है, तो ये n और ये mg आपस में बैलेंस नहीं कर पाते। अब क्या होता है, अब r में से एक कंपोनेंट इस n के साथ मिल जाता है, ठीक है ना, और वो किसको बैलेंस करते हैं, mg को बैलेंस करते हैं, देखो कैसे, इस r के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक सर इधर से दूसरा इधर से, देखो ये दो कंपोनेंट्स है, रेजोल्यूशन हमने किया, ये आपको याद होगा वेक्टर्स में, यहां से जो कंपोनेंट निकला तो कौन था बेटा, r cos थीटा, अच्छा यहां से जो निकला वो कौन था, r sin थीटा, अब ये r sin थीटा और n के सेम डायरेक्शन में है, ये सर वो तो सेम डायरेक्शन में है, क्या ये दोनों एड अप हो जाएंगे कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सर ये दोनों तो एड अप हो जाएंगे, अच्छा अगर ये दोनों एड हुए तब ये दोनों आपस में मिलके किसको बैलेंस करेंगे, बोलो mg को बैलेंस करेंगे, अच्छा बचा कौन, अब सर बचा सिर्फ r cos थीटा, देखो ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो गया खत्म, इस एक्शन के बदले में कौन आया, बोलो रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन के बदले कौन आया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इसके साथ यूज हो गया तो बचा कौन, आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो कहां से अलाइनेड है, सर ये तो अलोंग द ग्राउंड है, मतलब इसीलिए हम कहां से चलेंगे, ऑन द ग्राउंड, हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं उड़ेंगे, हम बेसिकली ऑन द ग्राउंड चलेंगे, तो चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन जो हमें ग्राउंड देता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें आगे चलाएगा। सेम चीज हॉर्स करता है, हॉर्स क्या करता है,
ये भी ग्राउंड को पीछे की तरफ पहले प्रेस करेगा, जिसको हम एक्शन मान के चलेंगे। देखो अब आपको ये समझ आएगा। हाँ सर, हॉर्स का स्ट्रक्चर और जो एक मैन का स्ट्रक्चर है, किन का स्ट्रक्चर, चलने का तरीका या ग्राउंड को पुश करने का तरीका या उस पर लगने वाले जो फोर्सेस है वो सेम होंगे। देखो कैसे, ये सर ये आ गया एक्शन, ये ए है, और सर इसने दिया रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन इसने दिया, ठीक है ना, ये समझ आया सर। हाँ ये रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन है, ये एक्शन ए है, ये रिएक्शन आर है, ठीक। अब रिएक्शन के कितने कंपोनेंट्स होंगे, सर दो कंपोनेंट्स होंगे। देखो ये एक कंपोनेंट इधर से और ये दूसरा कंपोनेंट इधर से, जो मैं अभी सिखा रहा था। यहां से कौन सा कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, जो हमने अभी किया था। अच्छा यहां से कौन, आर साइन थीटा, ये आपको पता है ये थीटा होगा, क्यों, क्योंकि जब हम प्रेस करेंगे ग्राउंड को, ये मुझे बेसिकली नीचे बनाना था, उसकी टांग यहां पे है, ठीक है ना, ये यहां पे उसकी टांग है, किसकी टांग, हाँ जो हॉर्स है उसकी टांग यहां पे है, तो यहां पे एंगल थीटा है, ठीक है, यहां पे एंगल थीटा बनाना है, वही एंगल यहां पे जाएगा, थीटा और थीटा, ठीक है ना, उसी तरह जिस तरह से हमने वहां बनाया। तो अगर हम इसको थीटा मान के चले, तब ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा और एन टू इसके साथ बैलेंस हो जाएंगे, किसके साथ बेटा बोलो, एमजे के साथ बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। और बचा कौन बेटा, आर कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एच लिखेंगे हम इसको, एच मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन जो हॉर्स को मिला जब इसने जमीन पे पैर मारा, जब इसने ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, उसके कंपोनेंट्स हुए, और इस हॉर्स को आगे चलाने वाला कंपोनेंट जो है वो कौन है, आर कॉस थीटा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं और उसको एच लिखते हैं। अब देखो, अब और थोड़ी सी कहानी स्टार्ट होगी। अच्छा आर कॉस थीटा क्या करेगा, बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, सर ये हॉर्स को आगे खींचेगा, ठीक है ना, जो ही हॉर्स आगे चलेगा तो ये स्ट्रिंग जो है इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी, ये तो आप जानते हो। अच्छा ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई है तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, और आप लोगों को पता है कि टेंशन जो है वो अवे फ्रॉम द मास होती है। यहां कौन जुड़ा हुआ है, सर यहां तो हॉर्स जुड़ा हुआ है, इसके अपोजिट यहां पे टेंशन होगा, ठीक है ना, टी, क्योंकि स्ट्रिंग एक जैसी है, स्ट्रिंग सिंगल है, एक ही स्ट्रिंग है, तो यहां पे भी टेंशन टी होगा। देखो ये हम जान चुके हैं इससे पहले जब मैं टेंशन पढ़ा रहा था, तो यहां पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द हॉर्स, यहां पे टेंशन अवे फ्रॉम द कॉट, ठीक है, मास से आउटवर्ड डायरेक्शन में, मास यहां से जुड़ा हुआ है, ये टेंशन होगा टी, यहां से हॉर्स जुड़ा हुआ है, टेंशन होगा टी, इन अपोजिट डायरेक्शंस, गुड। तो क्या हुआ, तो यहां पे इसलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब चेंज होने वाला है। देखो हॉर्स पे लगने वाला फोर्स कौन है, एच, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको टेंशन खींच रहा है, टेंशन इसको वापस खींच रहा है, देखो टेंशन पीछे की तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, तो आर कॉस थीटा आगे की तरफ खींचेगा, टेंशन पीछे की तरफ खींचेगा, ये आपको समझ आ गया। तो इसपे जो लगने वाले फोर्सेस है वो कौन है, सर आर साइन थीटा और एन टू हम नहीं लेंगे क्योंकि वो एमजी के साथ बैलेंसड है, ये रिएक्शन और ए हमें नहीं चाहिए क्योंकि ए के बदले आर आया, आर के बदले आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा आ गया, खत्म। तो बचा कौन, सर यहां से बचा आर कॉस थीटा, यहां से बचा टी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे, आप इन्हीं दो फोर्सेस को बनाओगे, किस किस को, आर कॉस थीटा और टी को। अब आगे चलो, अब जब इस पे टेंशन क्रिएट हुआ तो ये टेंशन क्या काम करेगा, सर ये कार्ट को आगे लेने की कोशिश करेगा। हाँ ऑब्वियसली टेंशन जो है ये कार्ट को खींच रहा है, जब कार्ट को ये खींचेगा, जब कार्ट को ये टेंशन खींचेगा, इस कार्ट पे एक इंपॉर्टेंट फोर्स जो आप अभी नहीं जानते, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, वो इसको पीछे की तरफ अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट खींचेगा। ये आपने सुना होगा कि हाँ जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड होती है तो उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जो इस मोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मतलब मैं अपना हाथ इस वाले हाथ पे चलाना चाहता हूं, मुझे वहां पे एक फोर्स पीछे की तरफ खींचेगा जो इन हाथों के बीच में जो मोशन है उसको खत्म करना चाहेगा, और उसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
हम उसको डिनोट करते हैं यहां पे स्मॉल एफ से। तो ये सारे फोर्सेस है जो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में आपको मिलेंगे, हॉर्स पे और कार्ट पे ये सारे फोर्सेस जो है एग्जर्ट हो गए। अब एपीडी बनाओ, हॉर्स का एपीडी बनाओ, हॉर्स का एपीडी देखो। हां, और एक चीज, अब अगर हॉर्स आगे चला तो इसके पीछे कौन चलेगा? कार्ट चलेगा, और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी ऑब्वियसली। तभी हॉर्स और कार्ट, हॉर्स और कार्ट जुड़े रहेंगे जब एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सेम होगी। ये नहीं कि हॉर्स की एक्सेलरेशन ज्यादा है, हॉर्स चला गया तो कार्ट अपनी जगह पे है कि नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट ज्यादा होगी तो वो हॉर्स को भी बाईपास करेगी, है ना, उसमें सवारी बैठी हुई है, घोड़ा उधर ही है और सवारी आगे चलेगी, ऐसा पॉसिबल तो नहीं ना है। इसलिए हमने कहा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट ये है दैट जितनी एक्सेलरेशन इस हॉर्स की होगी उतनी ही एक्सेलरेशन कार्ट की होनी चाहिए, या हम कहेंगे इस सारे सिस्टम की एक्सेलरेशन ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए। तो हम अज्यूम करेंगे दैट एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल ए इसकी भी एक्सेलरेशन होगी और स्मॉल ए इसकी भी एक्सेलरेशन होगी। हम एपीडी बनाएंगे, जरा हॉर्स का एपीडी बनाओ। हॉर्स का एपीडी अगर हम बनाएंगे तो ये हॉर्स पे लगने वाला फोर्स इधर कौन बेटा? आर कॉस थीटा। पीछे की तरफ लगने वाला कौन सा फोर्स? टेंशन, ठीक है ना। अब बोलो क्या एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगी कि पीछे की तरफ? सर आगे की तरफ। अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो इस आर कॉस थीटा को पॉजिटिव माना जाएगा और इसको नेगेटिव माना जाएगा। हमने ये टेंशन और बाकी जो लेक्चर्स थे उनमें देखा है दैट हम उस फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं जो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है। बॉडी आगे चली जा रही है, हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है, तो आर कॉस थीटा उस पर लगने वाला पॉजिटिव होगा और टी उस पर लगने वाला नेगेटिव होगा। तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे वो होगा फिर आर कॉस थीटा पॉजिटिव माइनस टी, ये नेट फोर्स होगा हॉर्स पे, कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। हॉर्स का मास, हॉर्स का मास कैपिटल एम, उसकी एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, ये मेरे पास पहली रिलेशन हो। या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा को हमने एक्स से डिनोट किया है, माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम देंगे। अब ये आसान है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद अब इसका एपीडी बनाएंगे। देखो इसका एपीडी कैसे बनाएंगे, देखो इस पे लगने वाले फोर्स कौन है? सर एमजी और एन वन आपस में बैलेंसड है, तो इधर लगने वाला टेंशन और इधर लगने वाला फोर्स कौन है? स्मॉल है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितना होगा? सर कार्ट आगे की तरफ चलेगी तो इसका मतलब ये वाला टेंशन जो है पॉजिटिव होगा और पीछे वाला फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा, तो लिखा जाएगा टी माइनस एफ, ठीक है ना। तो यहां से हमें मिलेगा टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? कार्ट का, वो स्मॉल एन है, इंटू ए एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, तो ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो दो इक्वेशन हमें मिली और इन्हीं दो इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? हमें एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालनी है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम निकालनी है। तो अब आसान है, अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो इसको मैं रब करता हूं, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं एक्सेलरेशन निकालने वाला हूं इन दो इक्वेशन से। अब बहुत आसान है एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी। देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाला हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सी एडिंग, हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, देखो हमें क्या मिलेगा, एच माइनस टी, एच माइनस टी प्लस, एड करो लेफ्ट हैंड साइड विद लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड एच माइनस टी, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना? टी माइनस एफ, सो प्लस टी माइनस एफ इज इक्वल टू, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू कैपिटल एम इंटू ए, प्लस इसका मास इंटू एक्सेलरेशन स्मॉल एम इंटू ए, कुछ ऐसे। ये टी और ये टी कट हो जाएगा तो एच माइनस एफ किसके बराबर मिलेगा? ए को कॉमन निकालो, एम प्लस एम इंटू ए निकलेगा। देखो ए आपका वेट कर रहा है, तो ए जो है मिलेगा एच माइनस एफ, ये हो गया एच माइनस एफ डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आपके पास
हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम की एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना। हाँ, अब हम जाएंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पे। हाँ, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का क्या मतलब है? देखो, जब हम फायर करते हैं, ठीक है ना, जब गन से एक फायर निकलता है, एक गोली निकलती है आगे की डायरेक्शन में, तो गन खुद पीछे की तरफ एक जर्क दिखाता है, या गन जो है वो पीछे की तरफ आता है विद सम वेलोसिटी, और इसी गन के पीछे आने की वेलोसिटी जो है उसी को हम बेसिकली रिकॉइल वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब हमें यह सीखना है दैट रिकॉइल वेलोसिटी गन को क्यों मिलती है। जब एक बुलेट को फायर किया जाता है आगे की डायरेक्शन में, तो गन पीछे की डायरेक्शन में क्यों आता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा कि ये जो फिनोमेना होता है ये ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन जो है एक अपने अंदर एक वेलोसिटी एक्वायर करता है, जिस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं क्या, जरा बोलो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, गन की रिकॉइल वेलोसिटी। सिर्फ देखते रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में क्या होता है। देखो, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गन है, सपोज ये हमने एक गन बनाया, ये हमारे पास गन है, ठीक है ना, सपोज ये गन हमारे पास है, ठीक, और इस गन से जो है, सपोज इस गन से एक बुलेट निकला। अच्छा, पहले देखो, बुलेट से पहले देखो, इस गन का मास में कैपिटल एम रखता हूं क्योंकि गन का मास ज्यादा होता है। अच्छा, बुलेट का मास कम होता है तो उस बुलेट का मास जो है वो भी अंदर है, उस बुलेट का मास में स्मॉल एम रखता हूं, ठीक है ना। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द गन एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बुलेट, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि गन शूट करने से पहले या बुलेट शूट करने से पहले आप मुझे बताओ दैट क्या दोनों चीजें आपको रेस्ट में दिख रही है। हाँ सर, दोनों तो रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, बुलेट नहीं चला है तो बुलेट भी रेस्ट में है। तो गन की वेलोसिटी कितनी है? सर जीरो। अच्छा, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? सर उसकी भी वेलोसिटी जीरो है। फिर ये दोनों रेस्ट में है, तब हम ये बोल सकते हैं दैट इस सारे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग द बुलेट वो कितना होगा, बोलो जरा। सर जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट सिस्टम, गन एंड बुलेट सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम मीन्स मोमेंटम बिफोर फायरिंग द ब्लड किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो क्या मैं इधर लिखूं, मोमेंटम किसका ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम कब, बिफोर फायरिंग ऑफ ब्लड, बुलेट के फायर करने से पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था, जीरो था। अब हमने क्या किया, अब हमने बुलेट को फॉर एग्जांपल चलाया, जब बुलेट चला तो वी सपोज दैट बुलेट वेलोसिटी वी से चला और उसका मास स्मॉल एम है और इस गन का मास कैपिटल एम है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो दोनों को मोमेंटम मिला, क्यों, हम अज्यूम करेंगे दैट जब बुलेट बाहर निकला विथ वेलोसिटी वी तो गन को भी वेलोसिटी कुछ मिली जिसको हम वी जी से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ गन। हम खुद ही अज्यूम करेंगे, देखते हैं क्या जब हम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे क्या हम वही चीज पाएंगे जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि नहीं। क्या देख रहे हैं जरा बोलो, कि जब भी बुलेट बाहर निकलता है तो गन पीछे की तरफ जाता है। हम देखना चाहेंगे दैट जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे क्या हमें वही रिजल्ट मिलेगा कि गन पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं। अगर हमें वही रिजल्ट मिला, हां गन पीछे की तरफ जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं दैट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन को कौन सी वेलोसिटी मिली, बोलो, रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो ही बुलेट बाहर निकला विथ वेलोसिटी वी, गन को भी अपनी वेलोसिटी मिली वी जी, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। तो दोनों को मोमेंटम मिला। अच्छा, टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम कब, बोलो, बिफोर के आफ्टर, मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग ऑफ बुलेट, बुलेट को फायर करने के बाद जो मोमेंटम मिलेगा वो होगा मोमेंटम ऑफ, बोलो, मोमेंटम ऑफ, हां,
मोमेंटम ऑफ बुलेट एमवी प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ये देखो एम मास है बुलेट का, वी वेलोसिटी बुलेट की है, कैपिटल एम मास है किसका, गन का, और वीजी उसकी क्या है, बोलो बेटा वीजी उसकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो बताता है दैट मोमेंटम बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट सेम होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। यहां पे हम क्या कहेंगे दैट मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट एंड आफ्टर द फायरिंग द बुलेट सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एम वी प्लस कैपिटल एम वी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये देखो सर क्यों, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग द बुलेट, ये मोमेंटम है बिफोर फायरिंग द बुलेट, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो हम इधर अच्छा वी जी देखना है, सॉरी वी जी ठीक है ना, हम एम वी जी की वैल्यू निकालेंगे, एम वी जी इज इक्वल टू इस प्लस एम वी को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस एम वी बनेगा कुछ ऐसे। हम वी जी निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द गन वो कितनी मिलेगी, माइनस माइनस एम इन टू वी, ये एम मल्टीप्लाइड बाई वी होगा और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम होगा। ये देखो हमें वही कॉन्सेप्ट मिला जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इसने कहा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने कहा कि गन को जो वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी नेगेटिव टू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये मास स्केलर है, ये मास स्केलर है तो वेक्टर सिर्फ वी है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये वीजी क्या है वेलोसिटी ऑफ गन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी कि गन की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब अगर बुलेट आगे की तरफ जा रहा है तो गन पीछे की तरफ रिकॉयल होगा, है कि नहीं, जिसको हम रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे vg इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम। अब और एक कॉन्सेप्ट है इस रिकॉयल वेलोसिटी पे, और एक कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसे। अब सर अगर हमारे पास गन जो है वो एक ही बुलेट फायर नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे बुलेट्स फायर करता है जिसको हम मशीन गन बोलते हैं, वो बहुत सारे बुलेट्स फायर करता है एक सेकंड में, से फॉर एग्जांपल से 100 बुलेट्स फायर किए एक सेकंड में, 1000 बुलेट फायर किए एक सेकंड में, तब आप उनका मोमेंटम कैसे निकालते हो। देखो आई सपोज दैट मेरे पास अब एक मशीन गन है जो एक सेकंड में बहुत सारे बुलेट्स को फेंकता है, ये कुछ ऐसे ठीक है ना। अब जो मशीन गन में लगने वाले बुलेट है तो वो आइडेंटिकल होंगे, सारे एक जैसे होंगे, तो उनका सभी का मास सेम होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब इसका मास एम है तो इसका भी मास एम होगा, 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 और जब वो गन से निकलेंगे वो सेम वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे, मतलब इसकी वेलोसिटी वी है तो इसकी भी वी, इसकी भी वी, इसकी भी वी, इसकी भी वी, है कि नहीं, सबकी वेलोसिटी वी होगी। इसका मतलब यह है कि जितना मोमेंटम इसका होगा एम इंटू वी उतना दूसरे बुलेट का मोमेंटम होगा, उतना ही तीसरे बुलेट का मोमेंटम होगा, एंड सो ऑन, तो सभी बुलेट्स का मोमेंटम सेम होगा। अगर सभी बुलेट्स का मोमेंटम सेम है तो इन मोमेंटम्स की ऑब्वियसली डायरेक्शन भी सेम होगी। देखो आपने एक सेकंड में एक ट्रिगर फायर किया तो 10 बुलेट एक ही डायरेक्शन में निकले, आपने और एक सेकंड में किया तो वो सारे 10 बुलेट एक ही सेकंड में सारे निकले एक ही डायरेक्शन में निकले। तो इसका मतलब सारे मोमेंटम्स जो है, अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालना चाहूं तो वो होगा इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, कितने, 1 2 3 4 5, अगर एक सेकंड में 5 बुलेट निकलते तो 5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, अगर 10 निकलते तो 10 टाइम्स एम वी, और अगर n निकलते हैं तो n टाइम्स एम वी, ये होगा मोमेंटम पर सेकंड इंपार्टेड बाय द मशीन गन। जो मशीन गन एक सेकंड में मोमेंटम इंपार्ट करेगा उसका वैल्यू n टाइम्स एम वी होगा, वेयर n क्या है कि ये एक सेकंड में कितने बुलेट फेंकता है, m क्या है इट इज द मास ऑफ ईच बुलेट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट। इसमें एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखो मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट करना चाहूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, मोमेंटम इंपार्टेड बाय
मोमेंटम इंपोर्टेड बाय अ मशीन गन, मशीन गन, मोमेंटम इंपोर्टेड बाय अ मशीन गन विच फायर्स, जो फायर करता है कितने, विच फायर्स एन बुलेट्स पर सेकेंड, जो एक सेकेंड में एन बुलेट्स फायर करता है वो किसके बराबर होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू वी, एम इंटू वी। इस पे कॉन्सेप्ट है, देखो एक न्यूमेरिकल इस पे हम करते हैं। एक हंटर हमारे पास है, इस हंटर ने हाथ में गन रखी है, ये हंटर के हाथ में गन है, आगे से एक लाइन इसको जंप करना चाहता है, ये लाइन है जिसका मास 100 केजीज है और ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वहां से आ रहा है इस हंटर को जंप करने के लिए, ठीक है ना। हंटर के बुलेट में जो, सॉरी गन में जो बुलेट लगी हुई है इसका मास 50 ग्राम्स है, ठीक, और इस गन से जो बुलेट निकलती है वो 200 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलती है, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सवाल ये है, हमें क्या बताया गया, आप बताओ ये हंटर कितने बुलेट्स इस पे दागे, किस पे, लाइन पे, ये हंटर कितने ऐसे बुलेट्स इस लाइन पे मारे सो दैट ये लाइन इस तक ना पहुंच सके, किस तक, हाँ हंटर तक। अब सवाल है सर ये लाइन कैसे नहीं पहुंचेगा, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये लाइन जो आप देख रहे हो इसका, इसके पास मोमेंटम है, देखो मास भी है वेलोसिटी भी है, वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, तो शेर ऐसे इस पे जंप करना चाहता है तो इसका मोमेंटम जो है लाइन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, कितना सर, वो होगा इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी, कुछ ऐसे, यानी कि 1000 इतना मोमेंटम इसका होगा, ठीक है ना। अब यहां जो आप बुलेट फेंकोगे इधर उसके पास भी मोमेंटम होगा, उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी, लेकिन इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, है कि नहीं। अब सवाल है कि हमें कितने नंबर ऑफ बुलेट्स फेंकने होंगे इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, सो दैट उन सभी बुलेट्स का मोमेंटम लाइन के मोमेंटम के बराबर बन जाए। देखो अगर यहां से आने वाला मोमेंटम और यहां से आने वाला मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट इंटरेक्शन तो है ही, तब इसका मोमेंटम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मोमेंटम कैंसिल आउट होने का क्या मतलब, ये रुक जाएगा, कौन, लाइन रुक जाएगा। जब यहां से जो आप बुलेट्स मार रहे हो उन सभी बुलेट्स का मोमेंटम जब लाइन के मोमेंटम के साथ इक्वल बन जाए, अपोजिट तो है ही, जब ये इक्वल बन जाए तब ये मोमेंटम जो है लाइन का ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब लाइन रुक जाएगा। तो आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है कि हम जो नंबर ऑफ बुलेट्स मारने वाले हैं उन सभी बुलेट्स का मोमेंटम और लाइन का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए तभी लाइन रुकेगा। और हम अज्यूम ऐसे करेंगे, हम अज्यूम करेंगे दैट हमें एन बुलेट्स मारने हैं, तो एन की वैल्यू हमें चाहिए, कितने बुलेट्स मारने हैं, एन बुलेट्स मारने हैं तो उन एन बुलेट्स का मोमेंटम लाइन के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा, अगर हम सोल्यूशन लिखे बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम्स, इस 50 ग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा किस पे, किलोग्राम में, क्योंकि हमें मास यहां पे किलोग्राम में दिया हुआ है, यहां पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो 50 डिवाइड बाई 1000 होगा, ठीक है ना, ये खुद ही किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसल हो जाएगा, तो ये 5 ones are 5 20s हो जाएगा, तो 1 divided by 20 kgs जो है ये बुलेट का मास होगा। अब देखो एन बुलेट्स का मोमेंटम कितना होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम ऑफ वन बुलेट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द लाइन, अगर ऐसा हुआ तो लाइन रुक जाएगा, ठीक। अब देखो एन हमें चाहिए तो वो पीएल बाई पीबी के बराबर होगा। अब सर आसान है, एन इज इक्वल टू पीएल की वैल्यू बोलो सर 1000 लिखा हुआ है, अच्छा पीवी की वैल्यू बोलो सर मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, मास ऑफ बुलेट कितना
1/20। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी सर? 200। ये जीरो कैंसल, 2 1s are 2 10s are, तो ये 1000 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 00 कैंसल, तो 100 बुलेट्स दागने पड़ेंगे, एन की वैल्यू 100 आ गई, 100 बुलेट्स दागने पड़ेंगे तभी लाइन जो है ये किस में आएगा, रेस्ट में आएगा, या उसका मोमेंटम जीरो बनेगा या वो हंटर तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन था। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कंकरेंट फोर्सेस पे होगा, और उसी लेक्चर में मैं कंकरेंट फोर्सेस को क्लियर करूंगा और उस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्लियर करूंगा। थैंक यू।